सो अभी 10 बज रहे हैं और हम कुदरत को लेके जा रहे हैं नीचे पार्क में। थोड़ा सा मतलब ये ना थोड़ा हिल भी नहीं रही है इसको, मतलब साइकोलॉजिकल ये हो गया कि मेरे दर्द हो रही है, और अगर हम इसको थोड़ा मूव नहीं कराएंगे, चलाएंगे नहीं ना, तो इसको यही मन में रहेगा, और वो जो डर है ना इसका, वही हमें निकालना है सबसे ज्यादा है इसका। क्या ऊपर चलो वापसी, केक क्यों काटा हुआ, केक हाँ? काटा हुआ उसने। इसने केक काटा हुआ है? तो आप लोग नीचे चलो, मैं ले आऊंगी क्लीन करके। नहीं नहीं कोई नहीं। केक काटा हुआ आपने? लो जी, कुदरत ने पॉटी करी हुई है। पॉटी कर रखी था अभी, आप तो नहीं ऐसे चल रहे कहीं गंदे गंदे तरीके से? हूं तुझे ऊपर चेक किता सी? नहीं किता से ऊपर किता है बस। पार्क आज पूरा खाली है। इस टाइम बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन आज वो भी नहीं खेल रहे। कहाँ लेके जा रहे हैं ये कुदरत को, कुछ पता नहीं है। ओहो अच्छा, आज अभी खुला होया है गेट, खुला है यार अब आज, पता नहीं क्यों। वो सफाई हो रही होगी ना। हाँ, यस यस यू आर राइट। का कर ला है यान नहीं आया। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੈ ਆਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਇਹਦੇ ਭੱਜ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰ ਲਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ੇ ਯਹੀ ਹੈ ਬਚਪਨੇ ਮੇਂ। ਮੈਂ ਉੜਤਾ ਫਿਰੂ ਪੰਛੀ ਬਨੂ ਮਸਤ ਗਗਨ ਮੇਂ। हाँ जी दोस्तों, सो अभी 8:10 हैं और मंडे है आज। आज पूरा दिन मैंने व्लॉग नहीं किया, पता नहीं क्यों, बट मन सा नहीं कर रहा था आज व्लॉग करने का। और अच्छी न्यूज़ ये है कि कुदरत बिल्कुल ओके है, कोई पेन नहीं है, कोई कुछ नहीं, टच वुड, बस हल्का सा फीवर है। उसके लिए मैं इसको PCM दे रही हूँ, अभी भी मैंने दी है इसको। और कैसे बोल देख रही है, हेलो बोलो सबको, हेलो अच्छा बोलो। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी जो अभी कबर्ड बन रही थी और वो कम्प्लीटली बन गई है, और आधे से ज़्यादा जो मेस था ना ड्राइंग रूम में, वो सारा का सारा क्लीन हो चुका है। बस अभी थोड़ा 20% जो है अभी भी बाकी है, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा बस बाकी है, क्योंकि जो सूट वूट मैंने करवाने थे ना ड्राई क्लीन, वो मैंने देने हैं ड्राई क्लीन वाले को। और मेरे सारे जो सर्दियों के कपड़े थे वो भी फाइनली मैंने ऊपर जो अलमारी गई है उसके अंदर रख दिए हैं सारे के सारे। और अभी गर्मियों के जो कपड़े हैं ना, मतलब वो मैंने अभी धो के, मतलब सब धो गए, धो लिए हैं और प्रेस करवाने वाले हैं बस वो। और मैंने ना कल वाला ही सूट पहन लिया, इसको मैंने आज 4 घंटे पहले ही धो के मैंने सुखाया था, और अभी भी ना यहाँ से थोड़ा सा गीला है ये, तो मैंने फिर यही पहने, क्योंकि सारे कपड़े जो है ना वो प्रेस कराने वाले हैं। और अभी ये सारा काम, मतलब ये यार बड़ा झंझट सा लगता है, मतलब सर्दियाँ सिर्फ 2 महीने की पड़ती हैं और इतना ज़्यादा खलारा पड़ जाता है ना, और ऊपर से हमने कबर्ड बनवाया तो उसकी वजह से ज़्यादा मैस हो गया। तो बस अभी जसप्रीत जिम से आए हैं और अभी वो नहा रहे हैं, आई थिंक नहा के भी बाहर आ गए हैं, और अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे कहीं बाहर घूम घूम करने। ओए ये देखो इसने क्या पकड़ लिया, देखो देखो कितनी शरारती है, छोड़ कुछ भी करती है यार, मतलब इसको कभी कोई पकड़ता है कभी कोई पकड़ता है। प्लस कुदरत के लिए लेके आने हैं डायपर्स, उसके डायपर्स जो है वो फिनिश हो चुके हैं, तो हम जाएंगे तो आते आते हम वो भी ले आएंगे। मैंने आज पहली बार ना होलिका जलते हुए देखी है, इज नाइस। अच्छा ये सोसाइटी वाले मिलके कर रहे होंगे ना। जी जनाब, सो अभी हम आए हैं सोनी बेकर्स रिजॉर्ट गार्डन में है, और बड़ी भूख लग रही थी। और आपको जैसे कि पता है कि आज मंडे है, अगर चीट डे है, मतलब चीट डे में सिर्फ मैं छोटी सी मील ले सकती हूँ, मतलब पूरा दिन मैं चीट नहीं करती, मतलब थोड़ा एक टाइम में थोड़ा सा कर लेती हूँ ना। तो अभी बस कुदरत जहाँ चली जाती है मतलब मजा नहीं देखा क्या करती है। क्या हुआ, मक्खी है वो, चीची है वो, इधर देखो पापा, अरे वो मार रही है, उन्हें मार दे भैया। ओह
हेलो जी। सो कल है होली, कल 8 मार्च है, आज है 7। और कल कुदरत के नानू उसके लिए लेकर आए थे ये पिचकारी। उसके नानू ने ना पिछली जो होली थी ना, जब कुदरत बहुत ज़्यादा छोटी थी, तब भी ऐसी ही पिचकारी लेके आए थे, लेकिन वो थोड़ी पिंक से कलर की थी, सेम यही थी बट वो पिंक से कलर की थी, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, यूनिकॉर्न वाली। और ये कल कलर लेके आए, और ये जो दो पैकेट है ना, ये दो बैलून के पैकेट जो वो नहीं होते चाइनीज़, जिसमें बहुत सारे बैलून्स होते हैं, उनको फुलाओ अपने आप फूल जाते हैं, तो ये वो दो पैकेट हैं। इसके अंदर हैं आई थिंक 10 सेट्स हैं, इसके अंदर 5 इसके अंदर है और 5 इसके अंदर है, टोटल 10 सेट्स हैं। और ये जो कलर का पैकेट है, ये पिछले साल लेके आए थे, ये दोनों जो पैकेट हैं ना, ये भी पिछले साल देके गए थे और ये भी पिछले साल देके गए थे, तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा बैलून हो गए हैं। उसने तो क्या ही फोड़ने, मैंने ही फोड़ने वैसे तो। और परसों ना कुदरत के लिए उसके पापा भी लेके आए थे एक पिचकारी और एक बलून का पैकेट। वो बलून का पैकेट भी पता नहीं उसने कहाँ रख दिया, और पिचकारी पता नहीं कहाँ पर है, वो भी मैं ढूंढूंगी और आपको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ना मैं ना थोड़ी थोड़ी मेमोरीज जो है वो क्रिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि कुदरत जब बड़ी हो जाएगी तो वो देखेगी यूट्यूब पर कि उसके नाना जी और उसके पापा उसके लिए क्या क्या लेके आते थे होली पर, मतलब फेस्टिवल वगैरह पर, तो वो मैं चीज़ जो है वो क्रिएट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो कल होली है, तो होली पे भी मैं कोशिश करूँगी, व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन हम यार होली वोली तो खेलते नहीं हैं, होली का कुछ पता नहीं होता ना, मन जाए तो मन जाए, नहीं तो नहीं, है ना। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा होली फेस्टिवल पसंद नहीं है। बाय द वे कल रात को मैं गई थी, कल मंडे था ना, तो कल रात को मैं गई थी जसप्रीत के साथ ऐमें ही कुछ बाहर खाली पीली, तो वो काजल वाजल लगाया था तो सारा ना ख़राब हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा इग्नोर करना इस चीज़ को। ठीक है, तो मैं नहा के आती हूँ अभी। कितना टाइम हो गया? टाइम 12:30 हो गया, और कमरा मैंने साफ़ कर लिया, और अभी बस मैं नहाने जाने वाली हूँ। ठीक है जी। हाँ जी, सो अभी 8 बज रहे हैं और मैं अपने डिनर की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स कट करी हैं, टमाटर है, प्याज है और शिमला मिर्च है, और इनको मैं थोड़ा हल्का हल्का सौते करूँगी, बहुत ज़्यादा मैं इनको नहीं पकाऊँगी, बिल्कुल हल्का हल्का सा। क्या हो गया कुदरत, इसको देखना, बैलून सारे बिखेर के बैठे। हेलो, बोलो क्या कर रहे हो आप, ये सारे बैलून आप ऐसे खिलार के बैठे हो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और मैं खाने वाली हूँ ये चिकन ब्रेस्ट, ये रेडी टू ईट होती हैं, मतलब इनको बस माइक्रोवेव करो और इनको खा लो, ग्रिल चिकन होता है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा हल्का सा हीट करूँगी। पहले तो मैं इन सब्जियों को पकाऊँगी, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा हीट करूँगी उसी कढ़ाई के अंदर, और बस इसी का नाश्ता मेरा डिनर होगा ये वाला। बस ये कढ़ाई मैंने यहाँ पे रखी है, ये थोड़ी सी मतलब गर्म हो जाए, तो मैं इसमें डालती हूँ ऑयल, इसमें मैंने सॉल्ट पहले ही डाल दिए। सो ये सब्जियां जब तक पकेंगी तब तक मैं जो चिकन है इसको छोटा छोटा कट कर लूँगी। ये हमारा चिकन भी इसमें डाल देते हैं, और हाफ पैकेट मैंने इसमें डाला है, और हाफ पैकेट जसप्रीत के लिए रखा है। चिकन की क्वांटिटी कम रखनी है, और सैलड जो है मतलब वेजिटेबल्स जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। बस थोड़ा सा और अच्छे से सौते हो जाए फिर मैं इसको। सो ये है जी चिकन सैलड, और ये ना मुझे बहुत परेशान कर रही है, इससे जरा मैं निपट लूं। निपटो